हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और हर बार की तरह इस बार भी हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज़ की अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग भेड़िया की डिजिटल प्रीमियर के लिए वेट कर रहे हैं इंडिया में, तो उनके लिए अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ गाइस, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को रिपोर्ट किया था कि इसकी डिजिटल प्रीमियर आप सभी को जियो सिनेमा पर मई के लास्ट वीक तक देखने को मिलेगी, तो आखिरकार अपडेट निकल के आ रही है कि इसकी डिजिटल प्रीमियर जियो सिनेमा पर 26 मई से होगी। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग रेनफील्ड को हिंदी में देखने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि आपको इसकी हिंदी डब वर्जन वो देखने को मिलेगी, तो आखिरकार इसकी हिंदी डब वर्जन है उसे इंटरनेशनली प्राइम वीडियो के कैनेडा रीजन में रिलीज कर दिया गया है बाय या रेंट सर्विस में। तो बहुत ही जल्द आपको प्राइम वीडियो के स्टोर इंडिया में भी इसकी हिंदी डब वर्जन है वो देखने को मिल जाएगी। और आप सभी को बता दूं कि इसकी डिजिटल प्रीमियर बुक मशो के स्ट्रीम पर 26 मई को होने वाली है, तो हाईली चांसेस है कि आपको बुक मशो के स्ट्रीम पर भी देखने को मिलेगी। तो जो भी हो, इससे पहले आपको प्राइम वीडियो के स्टोर इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो हमारा अगला अपडेट है मार्वल की अपकमिंग सुपर हीरो मूवी फैंटास्टिक फोर से है। जी हाँ गाइस, अपडेट निकल के आ रही है कि इसकी फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी के मौके पर स्टार्ट होगी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर आपको ये मूवी है वो 2025 के फरवरी के मौके पर देखने को मिल सकता है। तो जो भी हो, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग इविल डेड राइज की हिंदी डब के लिए वेट कर रहे हैं। तो उन सभी को बता दो कि इस मूवी की डिजिटल प्रीमियर वो प्राइम वीडियो के US स्टोर पर 9 मई को होने जा रही है। और इंडिया में आपको इस मूवी को बाय रेंट सर्विस पर देखने के लिए इस महीने के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक वेट करने को पड़ सकता है। जी हाँ गाइस, बुक माई शो के तरफ से मेरे पास जो मई की लिस्ट है वो निकल के आ चुकी है, यानी सेकेंड हाफ की, तो उसमें इस मूवी का नाम मेंशन नहीं है। तो अगर सडनली प्राइम वीडियो का स्टोर पर रिलीज़ किया जाता है तो फिर मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो सवाल ये बनता है, क्या हमें इसकी हिंदी डब वर्जन देखने को मिलेगी या नहीं? तो गाइस, ऑफकोर्स आपको इसकी हिंदी डब वर्जन है वो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर इसकी हिंदी डब वर्जन है वो आपको वोट सर्विस यानी बाय या रेंट सर्विस में देखने को नहीं मिलता है, तो फिर आपको इस मूवी को हिंदी में देखने के लिए कम से कम नहीं है तो 3 या 4 महीने का इंतजार करने को पड़ सकता है। क्योंकि प्राइम वीडियो पर वार्नर ब्रोस की जो मूवीज़ रिलीज होती है वो करीब 3 या 4 महीने के अंदर होती है थिएटर रिलीज के बाद। तो जो भी हो, देखते हैं कि वोट सर्विस पर इसकी हिंदी डब वर्जन उसे रिलीज़ किया जाता है या नहीं। तो जो भी हो, अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको इस छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं इस तरह के कौन नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।